हवा में लिखी गई। बचाओ, देखिए सनी भैया क्या कर रहे हैं। आपने ना अच्छा नहीं किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम मुझे छेड़ रहे हो। अरे सुनते हो, कहाँ गए? अरे भाभी ये सब क्या कर रही हो, हल्ला क्यों मचा रही? मैंने क्या करा? क्या कर रहा है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई? शशांक तुम ना बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। आप जानते हैं आपका भैया ना देखो मेरे साथ में कितनी गलत हरकत कर रहे थे, और ये ना तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद ये मुझे ना गलत निगाहों से भी देखते हैं। पर मैंने कहा घर की बात है, क्या कहूँ मैं आपसे, बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इनको समझाओ आप। तेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हो अपनी भाभी के साथ? अरे तेरे को मैंने लक्ष्मण समझा था, लेकिन तू रावण निकला। रावण, इस घर में तेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, निकल जा यहाँ से। लेकिन भैया मैं तो भाभी की मदद कर रहा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। अच्छा ऐसे मदद होती होगी? अरे तू छेड़ रहा था अपनी भाभी को, तेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, मेरी आंखों से दफा हो जा तुरंत। भैया दुख मुझे इस बात का नहीं है कि आपने मुझे मारा, और ये तो पराई है, मुझसे ज्यादा आपको इस पर विश्वास है। दुख किसका हुआ? ठीक है चलो चलते हैं। शनी तुम मेरे कमरे के अंदर कैसे है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो घर से बाहर निकाल दिया था ना। जो कोई शौक नहीं है आने का, मैं चाबी ले गई थी, चाबी लेने आया था। तो उठाओ अपनी चाबी और दफा हो यहाँ से। बेटे चाबी से एक बहाना था, लाड़ी से मेरे पास फोन भी है, जिसका तुमने मेरे ऊपर इंजाम लगाया था वो काम तो अधूरा रह गया है, वो मैं पूरा दूंगा। शनी देखो दूर होके बात करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, और अगर तुमने मेरे साथ में कुछ भी गलत किया ना तो ध्यान रखना बहुत बुरा हो जाएगा। जाओ मेरे कमरे से, गेट आउट। अब क्या बुरा होगा, अब तो कोई है भी नहीं है, अब तो कोई तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनेगा। सनी प्लीज मेरे से दूर रहो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। अच्छा अब तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है ना, लेकिन तुमने मेरे साथ में ऐसा करा क्यों? देखो सनी मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। वो क्या है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था इस घर में कोई और भी रहे, तुम्हारे मम्मी पापा पूरी फैमिली रहती थी, अरे परेशान हो गई थी मैं, मुझे नहीं है पसंद मेरे और शशांक के बीच में कोई भी इस घर में तीसरा रहे। और इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को इस घर से बाहर निकाला, उसके बाद में तुम आ गए। तुम्हारी डिमांड पूरी करती हूँ, चाय कभी कॉफी। यार देखो मुझे ना ये चीजों से काफी ज्यादा नफरत है, मुझे नहीं है पसंद कि मेरे इस घर में कोई और भी रहे, तो बस इसलिए सोचा तुम पे इल्जाम लगा दो कोई और तुम्हारे भैया तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। तो तुम तो समझ ही नहीं पा रहे थे ना मेरी बातों को ना मेरे नेचर को, तुम खुद क्यों नहीं गए थे कि मुझे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, मैं यही चाहती थी। अरे यार तो ये सब करने से पहले एक बार मेरे बारे में भी तो सोचा होता, इससे ना मेरा पूरा करियर खराब हो सकता था। लेकिन कोई बात नहीं भैया, तुम तो प्यार जो इतना करते हैं, तो मुझे तुम्हारे लिए घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन हाँ भैया ऐसे नहीं है, वो तुमसे प्यार भी करते हैं ना, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट मैं भी हूँ, मेरी फैमिली के हैं। भैया 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 को क्यों बुला रहे? शशांक शशांक देखो ना तुम्हारे भैया ना जबरदस्ती इस घर में घुसाए और मेरे साथ में ना गलत हरकतें कर रहे थे, देखो छेड़ रहे थे भगाई। अब चुप हो जा बिल्कुल, तुम्हारी सारी हरकत मेरी आंखों के सामने आ गई है। तुम फालतू के इल्जाम लगा रही थी मेरे छोटे भाई पे, अरे एक बार सोच तो लिया होता, वो इस घर का सदस्य है। सॉरी शशांक मुझे माफ कर दो, अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे नहीं है पसंद, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता इस घर में कोई तीसरा रहे। देखो शालिनी तुम्हारी गलती की माफी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ एक दिन का समय दे रहा हूँ, सोच लेना तुम्हें डाइवोर्स देना है या चुपचाप से ऐसी भागना है यहाँ से, निकलो यहाँ से।